अगेन आगे जाने से पहले एल गेट द एक्सेस ऑफ द पी पी टी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझे वो क्रक्स के लिए भी मैसेज किया हुआ वो एक्चुअली यार मेरे लेवल पे ही पेंडिंग है थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है सो एम नॉट एबल टू कैरी आउट रिव्यू ऑफ इट बट एक दो दिन दे देना एक दो दिन में एल एल बेसिकली पहले जो पाँच छः चैप्टर है बिपिन चंद्रा के उसको क्लब करके जो है आए पुट इट ऑन दी टेलीग्राम चैनल एंड कोई अगर पर्सनल डाउट आपको रहता है दैन ऑब्वियस यू नो वेर टू रीच आउट टू मी इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर यू कैन ड्रॉप मी एनी काइंड ऑफ द क्वेरीज देखा था कि जो पोजिशन ऑफ दर्ण भीट हो रहा था एंड अपर जाति अपर वर्णा का होल्ड हिंदू सोसाइटी में आ चुका था समवेयर डाउन दिसन दिसन ऑफ द सोसाइटी इन दिंदू सोसाइटी यही हम लोग को इस्लामिक सोसाइटी में भी दिखाई दे रहे है एंड इस्लामिक सोसाइटी का भी एक डिटेरेशन हम लोगो को इस पीरियड ऑफ टाइम में दिखाई दिया है इसके बारे में लेटर ऑन भी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ये टॉपिक कवर अप करेंगे कि भाई नेशनलिज्म कुड नॉट बी डेवलप्ड अमॉंग द इस्लामिक सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम तो ये वाले एस्पेक्ट में हम लोगों को ये चीज देखनी है कि कैसे सिस्टमैटिकली जो मैल प्रैक्टिस होती है रिलीजन की वो इस्लामिक रिलीजन में आई एंड यही मैल प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन से निकालने का काम सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने किया भाई बिकॉज दे देवर इन कॉन्टेक्ट विद द ब्रिटिशर्स बट ऑन दी अदर हैंड इट वॉज इस्लामिक सेक्शन जिनका पोलिटिकल इकोमिकल पॉवर जो है ब्रिटिशर्स की वजह से चला गया था एंड दैट्स रिमेन अलूफ फ्रामिशर्स इन एटीन नाइनटीन सेंचुरी एंडस आ दे सोशल रिफॉर्म मूमेंट एंड यह सोशल रिफॉर्म वहां पर नहीं आ पाए तो दैट्स आर यू माइल प्रैक्टिस कंटिन्यू रही एंड इवन इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी यू कैन क्लियरली सी कि इस्लामिक रिलीजन जो है यही मैल प्रैक्टिस से अभी भी जो है बेसिकली एक जूझ रहा है इसको एक रेजिस्टेंस देने की कोशिश जो है कर रहा है तो दैट इज समथिंग फॉर द लेटर पीरियड ऑफ टाइम अभी के लिए वी आर गोइंग टू मूव टूवर्स द सोसाइटी तो जो सोसाइटी के जो बचे हुए डायमेंशन जो है उसको अभी हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे तो so सबसे पहले जो है प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ वुमन इन सोसाइटी तो ऑब्वियसली पेट्रियर्कल सोसाइटी है ये पेट्रियॉर्कल सोसाइटी हम पहले से ही देख चुके हैं कि कैसे इसका इवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक रिलीजन इंडिया में हुआ है वैदिक रिलीजन ऑनवर्ड ही है पैट्रीआरकी का एक हूज इन्फ्लुएंस इंडिया में आ चुका था एंड फिर यही इन्फ्लुएंस हम लोग को बुद्धिज्म में भी दिखाई देता है जैनिज्म में भी दिखाई देता है एंड अल्टीमेटली इस्लामिक रिलीजन इट जो अरेबिया में बना हुआ रिलीजन है वही से वो पेट्रीआरकल ही था तो पेट्रीआरकी जो है सिंस सोसाइटी में थी तो दैट्स अ पोजिशन ऑफ द वुमन हमेशा से सबसर्वियट रही है हमेशा से रही है ये बोलने के बजाय हम लोग अगर बोले कि इट वॉज सिस्टमैटिकली कैरिड आउट ये सिस्टमैटिक एनहाइलेशन ऑफ द वुमिशन कैसे हुआ इसके ऊपर हम लोगों ने एंशंट एंड मीडियबल पीरियड में इलेबोरेट बातें की है तो दैट इज फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम पर्दा सिस्टम जो है ये भी हम लोगों को अब दोनों रिलीजन में हिंदू एज वेल एज इस्लामिक रिलीजन में दिखाई दी है टॉकिंग ऑफ द पर्दा सिस्टम देन पर्दा सिस्टम बेसिकली इस्लामिक रिलीजन में बुरका होता है एंड हिंदू रिलीजन में घूंघट होता है यू हैव मेड वुमन टोटली सबसर्वियन सबसर्वियन एंड बनाने के बाद वुमन की जो पोजिशन है वो घर में कन्फाइन कर दी गई थी एंड वुमेन जैसे जैसे घर में कन्फाइन होती गई मतलब उनके सोशल राइट घर के बाहर निकल के घूमने फिरने के इकोनॉमिकल राइट घर से बाहर निकल के एक जॉब लेने के ये वैसे ही आपने निकाल दिए तो आपने वुमेन को एक सबसेन पोजिशन असाइन कर दी उसको टोटली totally डिपेंडेंट बना दिया मेल काउंटर पार्ट के एंड वही मेल काउंटर पार्ट के ऊपर जब टोटल डिपेंडेंस आया तो वुमेन स्टार्टेड टू बी ट्रीटेड एज एस प्रॉपर्टी एंड यही प्रॉपर्टी को फिर सेफ करने के लिए या फिर प्योरिटी मेंटेन रखने के लिए ये वाला एस्पेक्ट हमको रिलीजन में दिखाई देता है इट इज वेरी मच मिस नोमर इवन इन हिंदू रिलीजन जो हमने देखा था कि पर्दा सिस्टम हिंदू रिलीजन में इस्लामिक इन्वेजन के बाद आया जबकि हम लेबोरेटलीशंट इंडिया में देख चुके हैं कि पर्दा सिस्टम के एविडेंसेस हम लोग को पोस्ट गुप्ता पीरियड से इंडिया में दिखाई देने चालू हुए थे ऑब्वियसली इस्लामिक इन्वेजन के वजह से ये जो पर्दा सिस्टम है वो हिंदू रिलीजन में बहुत ही ज्यादा लेवल पर एक्सेंचुएट हुई होगी बट ऑब्वियसली इट वॉज देयर सिंस एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम एंड फिर ये मीडियल पीरियड में थोड़ी सी ज़्यादा एक्सेंचुएट होना चालू हो गई चाइल्ड मैरिज इट वॉज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इसके ऊपर भी अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इलेबोरेट चर्चा जो है एंशियंट और मीडियवल में कर चुके हैं चाइल्ड मैरिज जो है वो एग्जैक्टली exactly कंसेप्ट क्या है ये भी मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड मैरिज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द नोशन ऑफ प्योरिटी प्योरिटी मतलब लड़की जो बेसिकली वर्जिन ही चाहिए एंड लड़की अगर वर्जिन चाहिए तो वॉट इज द बेस्ट वे टू कीप दैट वर्जिनिटी और द प्योरिटी देन बेस्ट वेज टू मैरी हर ऑफ बिफोर प्यूबर्टी इट सेल्फ तो प्यूबर्टी आने से पहले बेसिकली लड़की की शादी जो, जो है बेसिकली करवा दो वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्यूबर्टी देन बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द मैंट्रोअल साइकिल यूजली ट्वेल्व ईयर ऑनवर्ड जो है लड़कियों में आना चालू होता है सेक्स ऑर्गन जो है लड़कियों के डेवलप्ड होने चालू होते हैं तो बेटर है कि उसके पहले ही वो लड़की की शादी जो आप करवा दो एंड उसके पहले अगर आप लड़की की शादी करवा रहे हो देन ऑब्वियसली फिर उससे एसोसिएटेड जो प्योरिटी है वो मेंटेन रहेगी बिकॉज सेक्सुअल अर्जेस जो होते हैं वो ट्वेल्व ईयर्स के बाद में मेस्ट्रल साइकिल के बाद में ही लड़कियों में डेवलप्ट होने चालू होते हैं ये कंसेप्ट ऑफ द चाइल्ड मैरेज सबसे पहले हमको मनुस्मृति में दिखा है जो पोस्ट मौरियन पीरियड में दिखाई गई थी एंड पोस्ट मौरियन पीरियड के बाद ही ये मनुस्मृति वाला जो कंसेप्ट है चाइल्ड मैरिज वाला कंसेप्ट है ये हिंदू रिलीजन में धीरे धीरे बढ़ने लग गया अब इसके ऊपर भी हम लोगों ने बातें की है एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द सेंचुरी इट वॉज क्वाइट कॉमन इट वॉज क्वाइट कॉमन मतलब ये कोई नई चीज जो है बेसिकली सोसाइटी में थी नहीं एंड दैट्स फिर वुमेन की जो पोजीशन है वो डिटेरियोरेशन करने में ये चाइल्ड मैरिज का एक बहुत ही बड़ा हाथ है बचपन में बेसिकली वो लड़की के सेल्फ डिपेंडेंस के लिए या फिर सेल्फ ग्रोथ के लिए अपने उसको मौका ही नहीं दिया है हमने देखा है कि लड़कियों का एक सिस्टमेटिक डिनाइल ऑफ एजुकेशन बचपन से ही किया जाता था एंड अब चाइल्ड मैरिज के थ्रू अल्टीमेटली वो लड़की का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वही चला गया अल्टीमेटली वो लड़की जो है बेसिकली स्टार्टेड टू बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द मेल काउंटर पार्ट एंड ऑबली उसका पूरा डिपेंडेंस अगर आपने उसके पति के ऊपर करके रखा उसके सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट एनहाइलाइट होंगे एंड इन दैट कैपेसिटी अगर उसका पति मर जाता है दैट वुमन इज अ बर्डन ऑन द फैमिली एंड फिर वो वुमन जो है उसको पति के साथ आप सती के ऊपर चढ़ा दो दैट विल बी द बेटर वे टू गेट रेड ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमन ये वाली प्रैक्टिस भी हम देख चुके हैं कि गुप्ता पीरियड ऑन ही हम लोगों को दिखाई दी है तो ये सारी चीज़ें क्या है एक पोजिशन ऑफ वुमन इन इंडियन सोसाइटी हम लोगों को दिखाई देती है तो चाइल्ड मैरिज जो है वो भी काफी कॉमन थे ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम पॉलीगैमी के एविडेंसेस भी हम लोगों को दिखाई दिए एंड टॉकिंग ऑफ पॉलीगैमी हम लोगों ने ये पीरियड ऑफ टाइम में ही देखा था पॉलीगैमी मतलब बहु विवाह ये दो टाइप के होते हैं एक होता है बेसिकली पॉली गाइनी एंड दूसरा होता है बेसिकली पॉली एंड्री तो जो पॉलीगाइनी जो है बेसिकली एक मेल मैरिंग मल्टीपल वुमन ये प्रैक्टिस जो है बेसिकली सोसाइटी में हमेशा से ही कॉमन रही है बिकॉज दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो है एंशियट पीरियड ऑफ टाइम से हम लोग देख चुके हैं कि कैसे सिस्टमैटिकली डेवलप्ड हुआ थोड़े टाइम में और भी बात करेंगे एंड देर आफ्टर वी आर हैविंग है पॉली एंड्री में क्या होता है कि एक वुमन मैरिंग मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट मेल एक जमाने में दैट इज बेसिकली वैदिक पीरियड में हम लोगों को ये दोनों चीजें जो है दिखाई दी है इट मीनस दैट पोजिशन ऑफ द वुमन वैदिक सोसाइटी में जब इग्लिटेरियन हुआ करती थी अच्छी हुआ करती थी तो एट दैट टाइम हम लोगों को, को कोई डिस्टिंक्शन दिखाई नहीं दिया है सेक्सुअल नॉर्म्स जो होते हैं वो सोसाइटी में लिखे हुए नहीं दिखाई दिए हैं एंड जब सेक्सुअल नॉर्म्स सोसाइटी में नहीं रहेंगे तो वुमन आल्सो हैड राइट टू कीप मल्टीपल हस्बैंड एंड द मेल आल्सो हैड राइट टू कीप मल्टीपल वुमन और मल्टीपल वाइफ इसके एग्जाम्पल भी हमको दिखाई देते हैं सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अगर कोई रहेगा तो महाभारता में द्रौपदी पांचाली पांचाली जो है, है। भर -भर दिखाई देते हैं पीरियड ऑफ द टाइम जैसे जैसे पोजिशन ऑफ द वुमन सबसर्वियंट होनी चालू हुई इंडिया में तो होने के टाइम पर अल्टीमेटली पॉली एंड्री के जो है इंडिया में धीरे धीरे खत्म हो गए एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ सेंचुरी पॉली एंड्री इंडिया में दिखाई नहीं देती है इनफैक्ट एक पर्टिकुलर लेडी जो है एक बार उसका पति वो उसको एक ही रखना है एंड अगर वो मर जाता है देन ऑब्वियसली उसके पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं है उसकी जिंदगी खत्म है उसको एक विडो का स्टेटस मिलेगा या फिर सती का स्टेटस मिलेगा और हम ये भी देख चुके हैं कि अगर हम लोग सती प्रैक्टिस की बात करें तो सती प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ अपर जाती एंड अपर वर्ण वाली वुमन के लिए ही रिजर्व रखी गई थी

ऑन द अदर हैंड जब ये बेसिकली कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन द मेल काउंटर पार्ट आ जाएगा तो एज आई हैव टोल्ड यू जस्ट बिफोर कि यह वुमन जो है उसका पति मरने के बाद शी इज अ बर्डन ऑन द फैमिली तो उसका करे क्या तो बेटर है उसको सती के ऊपर भेज दो एंड सती प्रैक्टिस जो है हमेशा से पायस प्रैक्टिस जो है होली प्रैक्टिस भी मानी जाती थी मतलब इसके लिए ब्राह्मण आएगा दर आफ्टर एक बड़ा जो है बेसिकली सेरेमनी जो है वो कंडक्ट किया जाएगा तो ओनली वेल्दी दैट इज अपर जाति अपर वर्ना कोड बेसिकली अलाउ इट और देड बेसिकली कैरी इट आउट तो सिर्फ वही बेसिकली अफोर्ड कर सकते थे बात करें तो ये लोगों को तो ऑब्वियसली घर से बाहर निकलना था दिस वेर द लेडीजिक सेव एज अन एज अ प्रोस्टिट्यूट काम किया करती थी एंड इनकी जरूरत जो अपर जाति अपर वर्ण को थी एंड सिंस दिस वुमन कूड गो आउट ऑफ होम शी कुल लाइफ एंड शी कुनॉमिकल लाइफ साइ फिर हुआ क्या सोशल एंड एकमिकल लाइफ की वजह से यह वुमन का एक independent existence हमेशा से ही रहा है तो ये वुमन कभी पति के ऊपर डिपेंडेंट हुई ही नहीं एंड डेट्स जैसे ही वर् अपना बंदा मर गया तो मरने के बाद जो है बेसिकली उस बंदी को वीडो हूड का स्टेटस जो असाइन किया जाता था एंड दैट्स ये डाइकोटॉमी जो आपको दिखाई देगी सर कि सर सती जाते हैं तो ये वीडो कहाँ से आ गई

नियोग वाली प्रैक्टिस जो है बेसिकली वैदिक पीरियड ऑनवर्ड ही हम लोगों को इंडिया में दिखाई दी है इज नियोग तो अगर मैं मर जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल तो मेरी जो बीबी है शी हैज अ राइट टू गेट रीमैरिड टू माई यंगर ब्रदर तो मेरा छोटा भाई जो है बेसिकली उसके साथ मेरी बीबी जो है शादी कर सकती है इट इज अ मैटर ऑफ राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमन एंड ये मैटर ऑफ राइट बहुत ही ज्यादा असर्टन होता था या फिर एस्टेब्लिश होता था अगर मैंने कोई भी बच्चा नहीं छोड़ा है पीछे अगर बच्चा छोड़ा है तो मेरे छोटे भाई को राइट रहेगा कि ही कुड डिना कि भाई शादी नहीं करूंगा तो इन दैट ये नियोग वाला प्रैक्टिस हैली है। हम है। मतलब हमने देखा भी था एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में कि मनुस्मृति वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बेसिकली कॉल दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस एज पशु धर्म कि नियोग जो है बेसिकली अपर जाति अपर वर्ण तो नहीं तो बेसिकली इवन लोअर जाति लोअर वर्णन भी नहीं करेंगे इट इज पशु धर्म पशु धर्म का मतलब क्या है तो नॉन आर्यनिकल प्रैक्टिस है ये तो नॉन आर्यनिकल प्रैक्टिस है सो तो इसके हम इसको परफॉर्म नहीं करेंगे एंड फ्रॉम मनुस्मृति ऑनवर्ड ये जो मैल प्रैक्टिस जो है दैट इज वीडो रिमैरिज को बैन करने की और विडो को कलंक समझने वाली हम लोग को दिखाई दी है एंड ये जो बेसिकली प्रैक्टिस जो है video remarriage, ये अभी भी वैसी ही थी कि सोसाइटी में वीडो रिमेरिज जो है बेसिकली एक्सेप्टेबल नहीं थे एंड इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे नॉर्म्स भी थे जैसे एक क्वाइट इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा इज दैट कि पेशवास जो है आर्डन ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थे एंड एज एन आर्डन ब्राह्मणिकल डायनेस्टी उन्होंने अपने एरिया में पतदाम नाम का एक टैक्स भी लगा के रखा था कि अगर वुमन को रीमैरिज करना है तो उसको एक पतदाम नाम का एक टैक्स जो है काफी हैवी होता था वो देना भी पड़ता था तो दिस इज बेसिकली द पोजिशन ऑफ द वुमन तो पोजिशन ऑफ द वुमन जो है वो हमेशा से क्या रही है एक सबसरवियन रही है और यही चीज आपको समझनी पड़ेगी जिसको लेटर ऑन हम लोगों को कनेक्ट भी करना है कि जब नाइनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड एटीन हंड्रेड एंड फोर ऑनवर्ड इज नाइनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड राजा राम मोहन रॉय ने सोशल रिफॉर्म इंडिया में जब चालू किए तो उसमें बेसिकली वुमन अपलिफमेंट जो उसी को सबसे पहले प्राइमरी टारगेट के ऊपर रखा गया था वुमन अपलिफमेंट एंडर आफ्टर फिर लोअर जाति लोअर वर्ना सेक्शन दैट इज डिप्रेस क्लासेस और दलित जिनको बोला जाता है दैट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टारगेटेड एरिया ऑफ द सोशल रिफॉर्म बिकॉज यू कैन नॉट अ रिलीजन जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ़ द लोग जो है उनको अपने सिस्टमेटिकली इकोनॉमिकल पॉलिटिकल एंड सोशल राइट है वो डिनाई करके रखे हैं एंड यू आर क्लेमिंग की योर रिलीजन इज फॉरवर्ड या फिर योर रिलीजन कैन टेक योर कंट्री फॉरवर्ड तो आपके रिलीजन को आगे जाना है आपके कंट्री को आगे जाना है तो मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन जो है उसको सुधारना पड़ेगा एंड अगर इसको सुधारना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट वल्नरेबल सेक्शन जो है लोअर जाति लोअर वर्ना जिनकी कंडीशन अब हम कल लेक्चर में कल वाले लेक्चर में देख चुके हैं एंड आफ्टर वुमन इन्हीं का अपलिफमेंट करवाना पड़ेगा एंड एंडसर फिर सती एबॉलिशन सतीबलशनिज दर आफ्टर फिर सिंगल मैरिज एबॉलिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज ये ऐसे जो मेजर जो है ये सोशल रिफॉर्मर बार बार लेते थे ऑब्वियसली जब सोशल रिफॉर्म में जाएंगे तो इसके ऊपर इलेबोरेटली लेटर ऑन बातें तो करेंगे ही बट ये सारी चीजें जो है आपको इंडिया में थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी एंड सर्टन फैक्चुअल डाटा के लिए आपको याद भी रखना है कि अगर हम लोग सती सिस्टम की बात करें तो सती सिस्टम को सबसे पहले इंडिया में अगर किसी ने अबॉलिश किया होगा तो इट वॉज पोर्तुगीज ये हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही देखा था अराइवल ऑफ द यूरोपियन पोर्तुग से हमने चालू किया था एंड 1515 के अराउंड ही पोर्तुगीज ने इंडिया में बेसिकली उनकी जितनी भी कॉलोनियल सेटलमेंट थी वहां पे सती बैन किया था देर आफ्टर एक और फैक्चुअल डाटा आपको याद रखना है कि समवेयर अराउंड हंड्रेड से लेकर सिक्सटी में इट वॉज एम्पेर अकबर जिसने सती प्रथा जो उसको बैन करने की कोशिश की बट अल्टीमेटली इसी टाइम पीरियड में अकबर ने अपनी राजपुताना पॉलिसी चलाई थी एंड राजपुताना पॉलिसी के वजह से अल्टीमेटली एट द द रिक्वेस्ट ऑफ रूलर जो उसने सती के ऊपर बैन लगाए हुए थे लोकल लेवल पे उसको लिफ्ट कर दिया बट उसने फिर मेजर भी कर दिया कि किसी भी बंदी को अगर सती में जाना है तो उसका एक रिटर्न परमिशन चाहिए एंड इफ द वुमन इज नॉट एबल टू राइट देन एटलीस्ट वर्बल परमिशन चाहिए एंड ये वर्बल परमिशन जो लोकल लेवल पे एक हवलदार या फिर कोतवाल रहेगा उसी को मिलना चाहिए एंड आफ्टर उसी के प्रेजेंस में सारी सेरेमनी जो परफॉर्म होनी चाहिए मतलब अगर फोर्सिबल सती रहेगी तो फिर इसको आपको प्रिवेंट करना है और ये हम मीडियावल इंडिया में भी देख चुके हैं कि सती के एविडेंसेस हम लोगों को जहां जहां पे मिले वहां वहां पे हम लोग को ये चीज पता चली है कि इट इज अ फोर्सिबल वन यूजुअली ओपीएम मतलब भांग जो है वो लड़की को दी जाती थी बिफोर बेसिकली शी इज थ्रोन ऑन द फनरल पायर एंड दैट्स फिर अकबर के मेजर भी काफी इंपॉर्टेंट है एंडर ऑफ द लेटर ऑन इवन शिवाजी महाराज एंड शिवाजी महाराज के बाद जो है सवाई राजे जयसिंह जो जयपुर के रूलर थे उन्होंने भी सती को रोकने के लिए एलैबोरेट मेजर जो लेके रखे थे अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम कुड सक्सीड फाइनली यही सती के सिस्टम इंडिया में अबॉलिश करने का क्रेडिट जो है वो किसको जाता है तो ब्रिटिशर्स को जाता है एटीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन में सती एबोलिशन एक्ट आया था उससे ये वाली प्रैक्टिस जो अल्टीमेटली बैन हुई तो सोशल रिफॉर्म में बाद में जो है धीरे धीरे बढ़ेंगे तब देखेंगे बट कंडीशन ऑफ द वुमन ओवरऑल यू कैन से was bad not because it was a child marriage not because there was a sati not because there was ban on the widow remarriage aapne ek systematic annihilation uska kiya tha usi ki wajah se and what do you mean by systematic annihilation sabse pehle aapne majority of the women jo hai उनको घर से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया था that is social right उनके निकाल लिए जहाँ पे आपने उनके social right निकाल लिए वहाँ पे आपने उनको education deny किया social right and education जब वुमन को नहीं होगा तो उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी एंड एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज अगर उसको नहीं मिली देन ऑब्वियसली फिर उसका जो कम्पलीट डिपेंडेंस जो उसके पति के ऊपर आने ही वाला है एंड जब तक पति है फिर तब तक वो पोजिशन ऑफ द वुमन जो है हायर रहेगी अच्छी रहेगी पति मरने के बाद तो आपको पता ही है वीडोज का इंडिया में आज भी क्या ही कंडीशन होता है तो सोचिए 200-300 साल पहले तो क्या ही चीज रही होगी तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज अबाउट द राइट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सेक्शन और द राइट ऑफ द वुमन जो उनसे सिस्टमैटिकली निकाल लिए गए थे स्टार्टिंग फ्रॉम मनुस्मृति ऑनवर्ड जिसकी वजह से उनकी पोजिशन जो है सोसाइटी में एकदम ही सबसर्वियंट हो चुकी थी एंड अब यही पोजिशन नाइनटीन सेंचुरी ऑनवर्ड जो है क्या करने वाली थी रिवाइव होने वाली थी एंड दैट्स आई वुमन एजुकेशन दैट्स विडो रिमेरिज दैट्स चाइल्ड इन्फेंटिसाइड के ऊपर बैन एंड एंड दैट्स दैट्स इवन सती आफ्टर अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ओपनिंग अप ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस एज वेल एज जॉब टू द वुमन

कि जो दासाज जो है बेसिकली कौन है ये अर्ली ब्रांच ऑफ आर्यन है जो इंडिया में आए हुए हैं तो जो लेटर ब्रांच ऑफ आर्यन है 1500 हंड्रेड बी सी ऑन उन्होंने जब रिग्वेजा लिखा तो उन्होंने वही बोला कि ये दस्ु को पकड़ो एंड दस्यु सॉरी दासा को पकड़ो और दासा को जो अपना स्लेव बनाओ दैट्स इंडिया में स्लेव को दास भी बोला जाता है एंड अल्टीमेटली यही रिग्वेजा में हम लोग को दूसरा जो टर्म मिला है दैट इज दस्यु दस्यु जो है बेसिकली देसी लोग हैं ये इंडिजिनस लोग हैं एंड फिर ये दस्यु के लिए अल्टीमेटली दस्यु हत्या जो है ये वाला वर्ड

ये काफी फेमस भी है बट दैट इज समिंग नाउ तो स्लेवरी जो है हमेशा से याद रखना है, इंडिया में टाइम पीरियडा हमें हम किसी ने देने का काम किया होगा तो होगा आचार्य चाणक्य चानक्य चाणक्य के बारे में हम लोगों ने खुद भी देखा हिमसेल्फ यूज टू आचार्य चाणक्य के पास एक बेसिकली बैंड ऑफ प्रोस्टिट्यूट हुआ करता था इज बेसिकली कन्या एंड विश कन्या मतलब कौन थी ये ऑर्फन गर्ल हुआ करती थी जिनको यंग एज में ही चाणक्य जो बेसिकली खरीद के नर्चर करता था एंड नर्चर करता था मतलब इनको लो बहुत ही बचपन से ही स्मॉल स्मॉल डोसेज ऑफ पॉइजन जो है वो दिए जाते थे स्मॉल स्मॉल डोसेज ऑफ पॉइजन जब उनको दिए जाएंगे देन देने के बाद अल्टीमेटली बाई द टाइम पीरियड ऑफ शी इज कमिंग ऑफ एज दैट इज दोलह साल की होने तक शी इज टोटली इम्यून गर्ल टू द पॉइजन एंड अगर आपको किसी बंदे को मारना है तो आचार्य चाणक्य यूज टू सेंड दिस गर्ल टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके लिप्स के ऊपर जो है बेसिकली पॉइन जो, जो है लगाया जाता था एंडर भेजा जाता था विश्वकन्याचार्य चाणक्यूट आचार्य चाणक्य ने मेन्टेन रखे थे तो उसी में हम लोग को स्लेवरी दिखाई देती है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अर्थशास्त्र जो आचार्य चाणक्य ने ही लिखा हुआ था इसमें हम लोगों को नाइन लॉज ऑन स्लेव जो है बेसिकली दिखाई देते हैं ये स्लेवरी के लॉ लिखने के पीछे भी आचार्य चाणक्य का एक मकसद था जो स्टोरी हमने देखी थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही वॉज अ शूद्र पर्सन एंड ऑब्वियसली ब्राह्मणिकल सिस्टम के अंदर आप एक शूद्र बंदे को राजा का स्टेटस नहीं दे पाओगे एंड दैट्स दैट नाइन लॉज ऑफ स्लेवरी में हमको एक इम्पोर्टेंट लॉ दिखाई देता है कि अगर मास्टर अपने दासी से मतलब अपने जो बेसिकली कॉन्क्यूबाइन uh, जो उसने मेंटेन रखी है उसके साथ अगर बेसिकली इसने सेक्स किया एंड करने के बाद अगर इसको बच्चा हो जाता है देन बेसिकली दैट कॉन्क्यूबाइन इज फ्री एंड जो बच्चा जो है राइट ऑफ द मास्टर्स ये चीज़ चंद्रगुप्त मौर्या से अगर आप एट्रीब्यूट करोगे तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके बारे में एक स्टोरी हमको मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्या इज बॉर्न ऑफ द मूरा मूरा जो है बेसिकली कॉन्क्यूबाइन थी ऑफ द धनानंदा एंड दैट्स दाननानंदा से डायरेक्टली लीनियट जो है इसका ट्रेस किया गया चंद्रगुप्त मौर्य का शूद्र से उठा के क्षत्रिय में लाया गया एंड कॉरोड तो नाइन लॉज ऑफ द स्लिवरी ऑफ आचार्य चाणक्य ये भी काफी फेमस है अर्थशास्त्रा में इसमें से बहुत सारे लॉज हम लोगों ने एंशंट टाइम में जब आर शर्मा किया था तब बात भी की थी एंडर आफ्टर इवन अगर हम लोग मीडियावल इंडिया की बात करें तो मीडियावल इंडिया में भी हम लोगों को इलाबोरेट इन्फॉर्मेशन मिलती है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म थे उसमें तीन मार्केट हमको दिखाई दी है सबसे पहला वाला जो मार्केट है दैट इज फॉर द फूड ग्रीन दूसरा वाला जो मार्केट है इट इज फॉर द एक्सपेंसिव थिंग जैसे कॉटन क्लॉथ हो सकता है सिल्क क्लॉथ हो सकता है घी हो सकता है एक्सेट्रा एंड तीसरा मार्केट जो है अलाउद्दीन खिलजी का इट इज फॉर द कैटल हॉर्सेस एंड स्लेव एंड स्लेव में अल्टीमेटली हमको दिखाई दिया है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे स्लेव मार्केट में तीन अलग अलग टाइप के स्लेव जो है बेचा जाते थे सबसे पहले टाइप का जो स्लेव होता था सबसे एक्सपेंसिव चिल्ड्रन गर्ल एज वेल एज बॉयज इनको आप बेसिकली ट्रेन कर सकते हो फॉर आफ्टर दूसरे काइंड ऑफ द बेसिकली ब्यूटिफुल वुमन मतलब स्लेव हमको डोमेस्टिक वर्कर तो डोमेस्टिक वर्कर में फीमेल का रेट थोड़ा सा ज्यादा हुआ करता था एज कम्पेयर टू द मेल तो ये तीन टाइप के स्लेव जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट में बिका करते थे एंड लेटर ऑन इवन मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी हमारे पास स्लेवरी के एविडेंसेस है जो हमको दिखाई देते हैं रिहला जो इब्न बतूता ने लिखा हुआ था अब इसके सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने मिडीवल पीरियड में पीरियड में बातें की हैं तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज दैट स्लेवरी जो इंडिया में हमेशा से ही प्रेजेंट थी सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक लिटरेचर हमको इंडिया में स्लेवरी के एविडेंसेस मिले हुए हैं एंड यही स्लेवरी जो है बेसिकली बाय द टाइम पीरियड ऑफ एटीन सेंचुरी ऑफ इंडिया में बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ गई थी बहुत ही ज्यादा लेवल पे बढ़ गई थी मतलब ट्रेडिशनल लेवल पे अगर मीडियवल इंडिया की बात करें तो स्लेव जो है बेसिकली हम लोगों को दो टाइप के दिखाई दिए हैं एक बेसिकली वॉल्यूंटरी स्लेवरी होती है वॉल्यूंटरी स्लेवरी मतलब सिंस इंडिया में एजुकेशन का राइट ऑर्डिनरी इंडियंस को हमेशा से ही डिनाई किया गया है तो अगर उनका एम्प्लॉयमेंट चला जाए देन ऑब्वियसली उनके पास फिर अपना पेट पालने के लिए क्या बचता है एक तो खुद को बेचो या फिर चोरी चकारी रॉबरी है वो करो एंड दैट्स ए मेजोरिटी ऑफ द इंडियन जो है कि खुद को ही मार्केट में जाके बेच दें ये वही वाला पीरियड है जब एक्सेसिव रेड जो है मराठाज ने मारी ये वही वाला पीरियड है जब ब्रिटिशर्स कॉन्क्वेस्ट इंडिया में चालू हुआ तो इंडिया के जो इंडिजीनियस रूलर है उनकी आर्मी ब्रिटिशर्स ने डिसबैंड करवाई कि उनको छोड़ दो करके तो अल्टीमेटली अग्ररियन पॉपुलेशन जो पेन्यूरी में थी बिकॉज ऑफ द रेड एंड दर आफ्टी क्षत्रिय पॉपुलेशन और यू कैन से डेट सोल्जर पॉपुलेशन जब इनके पास अब बेसिकली कोई कामधाम नहीं था तो ये करेंगे क्या सेल्फ स्लेवरी वॉल्टरी स्लेवरी एंड दूसरा एक रीजन जो है कि स्लेवरी जो है इस तीर टाइम में इतनी ज्यादा क्यों आई देसली प्रिजनर ऑफ वॉर के बारे में भी हमने बताया है मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि जब जब आप रेड मारते हो तो रेड मारने के बाद आप घर लूटोगे दर आफ्टर टेम्पल लूटोगे कैपिटल सिटी लुटोगे एंड दर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो वुमन एंड चिल्ड्रन इनको बेसिकली लूटोगे बिकॉज वुमन एंड चिल्ड्रन को अल्टीमेटली आप स्लेव मार्केट में जो है बेच सकते हो एंड दैट्स यू कैन से कि बेसिकली इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो फेमाइन हो नेचुरल कैलामिटी एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड आफ्टर एक्सट्रीम पॉवर्टी के बाद अल्टीमेटली ये जो दो इंपॉर्टेंट रीजन जो हम लोगों ने बोले थे ये सारी चीज़ों का कामेशन था कि एक बूमिंग स्लेव मार्केट जो है इंडिया में मौजूद था एंड ये स्लेव जो इंडिया के बेसिकली नॉट ओनली इंडिया में बट ऑल्सो यूरोपियन मार्केट में भी ले जाके जो है बेचे जाते थे ये जो पर्टिकुलर स्लेव जो है इसमें वही तीन कैटेगरीज आपको दिखाई देगी कि सबसे पहले डोमेस्टिक वर्कर के लिए लखे जाएंगे कॉन्क्यूबाइन कॉन्क्यूबाइन मतलब प्लेजर गर्ल और यू कैन से एंड आफ्टर फिर ये तीनों टाइप के स्लेव हम लोग को दिखाई दिए हैं एंड स्टेटस ऑफ स्लेव जो है एज आई टोल्ड यू जो एंशियंट टाइम पे आचार्य चाणक्य जो है इन्होंने जो लॉज दिए थे वही लॉज अभी भी चल रहे हैं कि अगर बेसिकली स्टेटस ऑफ द स्लेव की बात करें तो अगर फिजिकल रिलेशन स्लेव के साथ रखते हो तो जो बेटा होगा दैट बेटा इज अ फ्री सिटीजन एंड ही कैन क्लेम ऑल द राइट ऑफ द मास्टर तो ये वाला जो एस्पेक्ट जो आचार्य चाणक्य के टाइम का ही था जो अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो स्टेटस ऑफ द स्लेव जो है इंडिया में एज पर हिंदू नेशनलिस्ट हमेशा से ही अच्छा रहा है बट ये एक्चुअल में कभी भी अच्छा नहीं था इट इज जस्ट फॉर्चुनेट फॉर अस कि ये जब स्लेवरी वाला इशू नाइनटीन एंड ट्वेंटी सेंचुरी में वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बना तब तक ब्रिटिशर्स ने स्लेवरी इंडिया में से खत्म कर दी थी वरना आप आज भी देखोगे तो डोमेस्टिक सर्वेंट अगर आपके घर में रहेगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वाई योर मॉम डैड और इवन वाई आर यू यू नो अबाउट ऑल दैट स्टफ तो ये बेसिकली सिर्फ कहने सुनने की बात होती है कि स्टेटस ऑफ ले हमारे पास अच्छा था वहाँ से बट ऐसी कोई चीज होती नहीं हमारे पास भी उतना ही बुरा था यूरोपियन ट्रेवलर्स के भर भर के उसके ऊपर एविडेंसिस भी है बट स्टिल थोड़ा सा आजकल नेशनलिस्ट वर्जन ऑफ हिस्टोरियन चलता है तो थोड़ा सा ऐसा वाला लाइन जो है फ्लैटरी वाले कि हमने गलत किया बट हम हमारी गलती जो उनसे कम थी

गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड यही वाले टाइम पीरियड में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो डेमोक्रेटिक वेव पूरे यूरोप में चल रही थी कभी अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो उसमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटेन की भी बात करेंगे बट अभी के लिए बस इतना ही याद रखना का बाई दिस पीरियड ऑफ टाइम सेवनटीन तक ब्रिटेन जो डेमोक्रेटिक बनते जा रहा था एंड ब्रिटेन में स्लेवरी एबोल्यूशन जो है उसका अर्लीस्ट वे हम लोगों को यही पीरियड में दिखाई दिया है एंड सिंस कंपनी वॉज अ मर्केंटाइल कॉपरेशन मर्केंटाइल ट्रेडर जो हमेशा लिबरल होते हैं दे रेडिल एज्यूम दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन्होंने स्लेव एबॉलिशन जो है करना धीरे धीरे चालू कर दिया कि अगर कंपनी की टेरेटरी होगी तो विदाउट रिटर्न डेड मतलब ईस्ट इंडिया के परमिशन के बगैर कोई भी स्लेव ट्रेड कंपनी के टेरेटरी में नहीं होगी एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नए स्लेव जो है कंपनी के टेरेटरी में नहीं बनाए जाएंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्लेव है उन्हीं का ट्रेड जो है कंपनी क्या करेगी अलाउड करेगी एंड यही वाला जो स्लेवरी रेगुलेशन है उसमें एक एडिशन अल्टीमेटली 1811 में कंपनी ने किया कि कंपनी के टेरिटरी में बाहर से भी कोई स्लेव जो है एंटर नहीं होना चाहिए सो अगर आप कोई बाहरी टेरिटरी से कंपनी के टेरिटरी में जा रहे हो तो आप स्लेव जो है कैरी नहीं कर सकते बिकॉज स्लेवरी इज इफेक्टिवली फॉरबिडन अंडर कंपनीज टेरेटरी फाइनली एटीन में ब्रिटेन पार्लियामेंट ने स्लेवरी एबोल्यूशन एक्ट जो है वो पास ऑन किया जहां पे ब्रिटेन एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो टेरिटरी है वहां पे स्लेवरी जो एबॉलिश रहेगी फिर भी उन्होंने एक लीवे दिया था कि ब्रिटिश कंपनीज जिन्होंने मल्टीपल ओवरसीज टेरिटरी कैप्चर करके रखी है वहां पे स्लेवरी एबॉलिशन कब और कैसे करनी है वो इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनीज है वही देखेगी एंड इन दैट कैपेसिटी टूक ऑलमोस्ट टेन ईयर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कम आउट रेगुलेशन ऑन द स्लेवरी इन आवर कंट्री दैट इज बाय द इंडियन स्लेवरी एक्ट एटीन फोर्टी ये इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 जो है बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया हुआ एक्ट है एंड वा दिस पर्टिकुलर एक्ट इंडिया में बेसिकली वी कैन क्लियरली सी कि कोई भी तरीके की स्लेवरी जो है वो नहीं चलेगी तो इफेक्टिव वे में अगर हम लोग बात करें तो इसी के बाद स्लेवरी इंडिया में अबॉलिश होनी चालू हुई थी एंड दैट्स इट टुक ऑलमोस्ट टेन ईयर टू एंड दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस इन अवर कंट्री दैट इजरी वाली प्रैक्टिस एंड बाई दिस पीरियड ऑफ द टाइम अगर आपको पता रहेगा तो कंपनी के पास पंजाब छोड़ के इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द टेरेटरी आ चुकी थी एंड जब उनके पास इंडिया की मेजोरिटी ऑफ द टेरेट्री आ चुकी है देन इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ऑन वर्ड लेटर ऑन यही वाला एक्ट जो है इवन पंजाब के लिए भी एक्सटेंड किया गया इट कैप्चर्ड तो पंजाब के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करने के बाद स्लेवरी जो है एज अ इफेक्टिव इशू इन इंडिया इट डाइड आउट एंड यही वाला पीरियड अगर आपको याद रहेगा कि 1861 अमेरिकन सिविल वॉर हुआ था एब्राहम लिंकन वॉज प्रेसिडेंट फ्रॉम 1861 सिकन से लेकेटीन सिक्सटी फाइव जब स्लेवरी वाला इशू इंटरनेशनल पीरियड में जो हाईलाइट हुआ एंड ये वाले एस्पेक्ट जो उसका थोड़ा सा करंट अफेयर भी आपको याद रखना है कि एज लेटेस्ट टू में बेसिकली जिनेवा में एक कन्वेंशन बुलाया था यूनाइटेड नेशन ने जिसमें स्लेवरी की डेफिनेशन जो है उसको बेसिकली रिजिक करने का काम किया था तो उसमें डिप्रेस क्लासेस दलित सेक्शन के इंडिया के जो लीडर है वो जाके बैठे थे और उन्होंने क्लेम भी किया था विथ इम्पेरिकल एविडेंसेस कि भाई हम लोगों को बेसिकली स्लेवरी के लॉ में या फिर स्लेवरी के जो बेसिकली डेफिनेशन है उसमें डालो वी हैव बिन ट्रीटेड एज अ स्लेव मतलब डिप्रेस क्लास दलित हैव ट्रीटेड एज अ स्लेव फॉर मोर देन टू थाउजेंड ईयस इन दिस कंट्री बट अल्टीमेटली फिर वाजपेयी गवर्नमेंट की पर्सनल रिपोर्ट जो है उस जमाने में जब यूएस प्रेसिडेंट है जॉर्ज बुशन से अच्छी थी इसकी वजह से चीजें जो है वो आती आती रुक गई बट ये सारी चीजें आपको बस थोड़ी सी समझनी नहीं पड़ेंगी बिकॉज इनके लिंकेजेस हम लोगों को आगे बढ़ाने हैं कि इंडिया में बेसिकली मॉडरेट लीडरशिप सोशल रिफॉर्मर्स लीडरशिप जो है ब्रिटिशर्स के प्रो क्यों थी जब तक आप ये अंडरलाइन करंट इंडिया की सोसाइटी का नहीं समझोगे तब तक आपको इंडिया का नेशनलिज्म समझ में नहीं आएगा कि वो कैसे डेवलप्ड हुआ वाई ब्राह्मण क्षत्रिय आर सो हेटेड इन आवर कंट्री एंड वाई डिप्रेस क्लासेस आर एनजॉइंग सो मच प्रिविलजेस इन आवर कंट्री

कि अगर एजुकेशन के हम लोग बात करें देन ऑब्वियसली इस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट कम्युनिटीज इंडिया में थी एक हिंदू कम्युनिटी थी एंडर आफ्टर एक इस्लामिक कम्युनिटी जो है बेसिकली इंडिया में थी सो विल स्टार्ट विद द हिंदू कम्युनिटी की हिंदू कम्युनिटी जो है बेसिकली उनमें एक एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एजुकेशन हम लोगों को दिखाई देता है एंडर आफ्टर बेसिकली एक हायर स्कूल ऑफ एजुकेशन जो हम लोगों को दिखाई देता है ट्रेडिशनल पीरियड पे ही हिंदू एजुकेशन सिस्टम जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रही है हाउ एवर यू एजुकेशन सिस्टम में वही वाला प्रॉब्लम है जो हिंदू रिलीजन में हर जगह पे आपको दिखाई देगा एंड दैट प्रॉब्लम इज बेसिकली वर्न बेस्ड प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि इंडिया में एजुकेशन कभी था ही नहीं इंडिया में एजुकेशन हजारों सालों से है अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन का जो एक्सेस है वो किसको है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण लोगों को ही है ब्राह्मणास के अलावा जो है बेसिकली एजुकेशन का एक्सेस इंडिया में हार्डली कोई सेक्शन को जो है दिया गया है तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे बात करेंगे इन द सेंस दैट इंडिया में एलिमेंट्री एजुकेशन स्कूल जो है बेसिकली कहाँ पे दिया जाता है एक तो मठ में दिया जाएगा या फिर बेसिकली आश्रम जो है उसमें दिया जाएगा या फिर बेसिकली देर इज एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड एज अ पाठशाला इसमें दिया जाएगा तो ये जो है बेसिकली इंडिया के ट्रेडिशनल लेवल पे एलिमेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रहे हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या सिखाया जाए आपको आपको दो चीजें जो इंपॉर्टेंट होती है एक होता है बेसिकली अरिथमेटिक दूसरा जो है बेसिकली आपको लैंग्वेज जो है बेसिकली वो सिखाई जाती है तो अरिथमेटिक एंड लैंग्वेज जो है आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा एंड हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में जो है हमेशा से आपको बड़े बड़े जो है बेसिकली यूनिवर्सिटीज जो है दिखाई देंगी बट मोस्ट प्रोबेबली वाला जो है रोल वो रोल्पल्स ही प्ले किया करते थे जैसे बेसिकली काशी बनारस यूनिवर्सिटी काफी फेमस था उज्जैन जो है बेसिकली काफी फेमस था वैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि तंजावुर अगर आप साउथ में जाओगे तो वो काफी फेमस है एंडर आफ्टर एक और है दैट इज बेसिकली कांची इन सबके अलावा जो है बेसिकली हम लोगों को एक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिखाई देता है एंशंट टाइम में तक्षशिला हाउ एवर यहाँ पे भी हम लोगों को एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि तक्षशिला जो है इट इट सेल्फ वॉज अ टेम्पल टाउन ड्यूरिंग दिन पीरियड ऑफ टाइम इसके अलावा आपने विक्रमशिला नालंदा सुना होगा बट वो हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं आते वो बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं बुद्धिस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम बुद्धिस्ट रिलीजन ही इंडिया से एनहाइलाइट हो चुका था तो उसके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे वो और मीडिया में हम पढ़ चुके हैं नाउ यहाँ पे जो प्रॉब्लम था एज आई टोल्ड यू वर्ण बेस्ड एजुकेशन था वो कैसे था वो देखेंगे सबसे पहले जो है अगर हम लोग वैदिक लिटरेचर की बात करें तो वेदास में हम लोगों को एक कंसेप्ट दिखाई देता है दैट इज द्वीज द्विज का मतलब होता है बेसिकली ट्वाइस बॉर्न एंड यह ट्वाइस बॉर्न वाला जो कंसेप्ट है उसका मतलब क्या है कि वन इज योर फिजिकल बर्थ जो मम्मा के कोक से बाहर आने के बाद आपका होता है हैप्पी बर्थडे वाला बर्थडे तो दैट इज द फिजिकल बर्थ एंड दूसरा जो होता है बेसिकली दैट इज स्पिरिचुअल बर्थ स्पिरिचुअल बर्थ मतलब बेसिकली यू आर एलिजिबल टू टेक वेदिक या फिर रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन एंड फिर ये जो स्पिरिचुअल बर्थ मतलब रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन जब आपको दिया जाएगा तो दिस इज बेसिकली द्विज और ट्वाइस बॉर्न ये द्विज को सिग्निफाई करने के लिए हिंदू रिलीजन में एक सेरेमनी होती है एम क्वाइट श्योर कि आप भी ये सेरेमनी से जा चुके होंगे इट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ उपनयना सेरेमनी उपनयना सेरेमनी का मतलब क्या होता है तो इट इज बेसिकली सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी ये सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी मतलब जो आपको जनायू पहनाया जाता है अगर आपने देखा होगा कि जनायू सिग्निफाइज दैट यू हैव अ हायर स्टेटस वॉट डज इट सिग्निफाई कि हायर स्टेटस है मतलब आपने जैसे ही वो बेसिकली धागा पहना जनयू पहना देन यू आर एलिजिबल टू टेक एजुकेशन अनलेस एंड अनिल यू आर वेरिंग जन यू आपको यहाँ पे जो एडमिशन दिया ही नहीं जाता था एंड फिर ये द्वीज वाला जो स्टेटस है लेवल पे इंडिया में किसके पास है तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय एंड शूद्र एंड शूद्र के नीचे आने वाले जो नॉन आर्यन है मतलब अनटचेबल जो है उनको द्वीज वाला स्टेटस नहीं था एंड दैट्स इंडिया में आपको दिखाई देगा कि जो बेसिकली लोकल या फिर एलिमेंट्री लेवल का एजुकेशन है वैदिक लिटरेचर इट्स वहां पर आप एजुकेशन लेने के लिए तभी जा सकते हो जब आपने सेक्रेट थ्रेड पहना हुआ है शूद्र जो एट एनीटी ऑफ द पॉपुलेशन रहता है time, रहते, उनको डिनाई किया गया था इसके एविडेंसिस भी हमारे पास है कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दर्ण कर्ण जो है बेसिकली एक सूत पुत्र था इन इन दैटिटी वॉज अर्ण वाला पर्सन पहले वो गया किसके पास तो गुरु द्रोणाचार्य के पास तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि भाई हमने तो भीष्म प्रतिज्ञा लेके रखी है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय को ही एजुकेशन दूंगा यू डो नॉट हैव राइट टू एजुकेशन एजुकेशन सो आई कैन नॉट गिव यू दी फिर जो बेसिकली भगवान परशुराम के पास गए एंड भगवान परशुराम के पास जाने के बाद जो उन्होंने विद्या जो है वो गलत तरीके से सीखी मतलब ही ही अ शूद्र सो डज नॉट हैव द राइट टू एजुकेशन बट स्टिल ही क्लेम की इज अ ब्राह्मण एंड ब्राह्मण बोलने का झूठ बोल के विद्या जब ग्रहण की तो उनके पास बेसिकली शाप दे दिया भगवान परशुराम ने कि टाइम आएगा तो ये विद्या जो भूल जाओगे तो ये तो कर्ण की कंडीशन थी कर्ण तो शूद्र था आर्यनिकल फोल्ड वाला बंदा था वही हम लोगों को एक और बंदा दिखाई दिया है दैट इज बेसिकली एकलव्य एकलव्य तो ट्राइबल बंदा था मतलब आर्यनिकल फोल्ड के बाहर था मोस्ट प्रॉब्बली इंडिजिनियस ट्राइबल पर्सन था एंड वो जब गया एजुकेशन लेने द्रोणाचार्य के पास तो द्रोणाचार्य ने वही बोला कि आपको एजुकेशन का राइट नहीं हम नहीं देंगे एंड अल्टीमेटली फिर एक लव्य जो उसने देख देख के ऑब्जर्व करके जब विद्या सीखी तो उसका अंगूठा एज अ गुरु दक्षिणा में मांग लिया गया एलिमेंट्री right तो एजुकेशन जो है मेजोरिटी ऑफ द इंडियंस को सिंस द टाइम पीरियड ऑफ द वैदिक लिटरेचर जो है डिनाई किया गया है अब इसमें एक और चीज अगर आपको याद रहेगी जिसके ऊपर हम लोगों ने मीडिया इंडिया में बहुत बात की है कि वन जीरो में बेसिकली अल बरूनी ने किताबुल हिंद जो है बेसिकली इंडिया में लिखा हुआ था अल बरूनी का किताबुल हिंद जो है ये काफी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है इसके बारे में हमने लेटर पढ़ा भी था तो ये जो किताबुल हिंद जो है उसमें अगर आपको याद रहेगा कि हमने एक चीज देखी हुई थी कि किताबुल हिंद में अलबरूनी इंफॉर्मेशन देता है कि अपर वर्णा ब्राह्मण क्षत्रिय जो है ये एक बड़ा वर्ण बन के इंडिया में उभर के आए है लोअर वर्ण मतलब वैश्य शूद्र जो है इनका इंटरमिंगलिंग जो है बयान राज हो चुका है एंड दैट वाई वन जीरो थ्री जीरो मतलब इलेवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड हम लोगों को एक और चीज इंडिया में दिखी है कि बेसिकली जो ऊपन है ना सेक्रेट थ्रेड सेरेमनी जो पहले के जमाने में ब्राह्मण क्षत्रिय एंड वैश्य को दी जाती थी अब इलेवेंथ सेंचुरी ऑनवर्ड ये द्विज वाला जो स्टेटस जो है ये बेसिकली इवन वैश्य को जो है बेसिकली डिनाई किया गया एंड डिनाई किया गया मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय जो है उन्हीं के पास ये स्टेटस जो है बेसिकली था तो इंडिया में जहां जहां पे ब्राह्मण रहेगा उसका आश्रम था तो मोर देन देस एलिमेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया में आपको दिखाई देंगे बट ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ना वैश्य ना बेसिकली शूद्र इनको परमिशन थी वैश्य शूद्र के नीचे ट्राइबल लोग थे दैट इज बेसिकली नॉन आर्यनिकल लोग थे उनका तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है एंड सिंस ओनली ब्राह्मण एंड क्षत्रिय उन्हीं को यहाँ पे एक्सेस मिलता था तो यहाँ से ऊपर जाना है तो ऑब्वियसली सिर्फ ब्राह्मण एंड क्षत्रिय ही जाएंगे एंड फिर ये हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इसको बाय टाइम पीरियड ऑफ़ उसके हम लोगों को हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एविडेंसेस दिखाई दिए है अगेन ये चतुस्पाठी एंड टोल जो है बेसिकली यही सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन परफॉर्म किया करते थे तक्षशिला बल जो है बेसिकली हो चुका था बाय द टाइम पीरियड ऑफ सेंचुरी एंडर आफ्टर यहाँ पे क्या सिखाया जाता था तो यहाँ पे बेसिकली आपको वेदा का नॉलेज दिया जाता था यहाँ पे बेसिकली आपको जो है बेसिकली ग्रामर जो है उसका नॉलेज दिया जाता था यहाँ पे जो आपको पॉलिटिक्स उसका सिखाया जाता था यहाँ पे आपको फिलोसॉफी जो है वो सिखाई जाती थी मेडिकल साइंसेज एंडर आफ्टर साइंस ऑफ पोशन साइंस ऑफ पोशन मतलब बेसिकली रसायन शास्त्र या फिर केमिस्ट्री जो है उसका नॉलेज जो है दिया जाता था साइंस ऑफ पोशन इंडिया में हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा बिकॉज ऑफ आचार्य चाणक्य और उनसे एसोसिएटेडेड जो पॉइजन का एक्सपेरिमेंट है वो मैंने आपको बताया भी है कि पॉइजन का एक्सपेरिमेंट इंडिया में बहुत सारे रूलर्स ने किया हुआ है हिंदू एज वेल एज इस्लामिक डायनेस्टी में हिंदू डायनेस्टी में आचार्य चाणक्य का एग्जाम्पल तो ही हमारे पास अगर आप इस्लामिक डायनेस्टी में जाओगे तो बालबान ने अपना जो किंग था नासिरुद्दीन मोहम्मद उसको पॉइजन दे मारा है ये क्रेडिबल एविडेंसेस है हमारे पास एंड इट इज ऑल्सो एलिज की एज लेट एस सिक्सटीन हंड्रेड एंड सेवेंटी सॉरी बेसिकली मिर्जा राजे जयसिंह है उनको पॉइजन देकर के औरंगजेब ने मारा ये बड़ा एलिगेशन हमारे पास आज भी है तो ये सारा जो नॉलेज जो है बेसिकली यहाँ पे आपको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिखाई देगा ये जो है बेसिकली आपको दिखाई देगा क्या है देन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका हॉलमार्क वही है कि वर्ण बेस एजुकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा देर आफ्टर एजुकेशन जो वो नॉन साइंटिफिक एजुकेशन है म करता है एंड देर आफ्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका सारा का सारा करिकुलम जो है ये बेसिकली लोकली डिजाइन होता है मतलब जो ब्राह्मण है वो बेसिकली क्या करता था इसको बेसिकली सारा का सारा जो है वो डिजाइन करता था तो ये सारी इंफॉर्मेशन तीन चार एनालिटिकल हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको याद रखना है ये भी एक इंडिया में उस टाइम पे था तो इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हम लोगों को एक एलिमेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है आफ्टर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दिखाई दिया है। तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड आफ्टर एक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब क्या तो एलिमेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बुलाया करते थे है, इसको ये लोग मदरसा काफी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के मामले में थोड़े इंपॉर्टेंट है अगेन यहाँ पे सेम चीज़ें आपको सिखाई जाएगी आपको जो है बेसिकली लैंग्वेज आफ्टर अरिथमेटिक बस यहाँ पे लैंग्वेज कौन सी होती थी तो अरेबिक एंड आफ्टर फिर पर्शियन अरेबिक इसी की वजह से बिकॉज अरेबिक लैंग्वेज में ही ओरिजिनल कुरान शरिया लिखे गए थे पर्शियन इसके लिए बिकॉज पर्शियन जो है मुगलों के टाइम पे इंडिया में क्या थी देन कोर्ट लैंग्वेज थी एंड दैट्स ये इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज था टिल 1835 जब इंग्लिश ने पर्शियन को रिप्लेस किया एंड वैसे ही फिर मदरसा अगर आप जाओगे तो यहाँ पे क्या होता था हायर एजुकेशन है तो यहाँ पे वही चीजें जो आपको सिखाई जाती थी तो कुरान एंड कुरान के साथ साथ फिर शरिया या फिर शारा इसके अलावा जो है बेसिकली आपको यहाँ पे जो फिलोसॉफिकल नॉलेज जो है एंड आफ्टर फिर पॉलिटिक्स का जो नॉलेज जो है वो बेसिकली दिया जाता था तो फिलोसॉफिकल नॉलेज कुरान शरिया एंड पॉलिटिक्स का नॉलेज जो आपको हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिखाई देता था एंड जैसे इंडिया में हिंदू रिलीजन में आपने देखा था कि एलिमेंट्री एज वेल एज हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ब्राह्मण टेम्पर डोमिनेटेड रहा है ब्राह्मण एंड टेम्पल ये एजुकेशन जो प्रोवाइड किया करते थे तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम एस्पेक्ट आपको दिखाई देगा कि मॉस्क जो है बेसिकली यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तौर पर उभर के आया इनिशियल पीरियड में एजुकेशन के ऊपर सुल्तान लोगों ने इतना ज्यादा फोकस नहीं किया बट स्टार्टिंग फ्रॉम द पीरियड ऑफ सिकंदर लोधी हम लोगों को ये डेवलपमेंट जो है इस्लामिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिखाई दिया है इसका एक पीरियड जो 1489 से लेकर 1509 तक का बेसिक पीरियड जो है माना जाता है बहुत जगह पे ये 1504 तक का भी आपको दिखाई देगा बट बेसिकली बार एन फिफ्टीन हंड्रेड एंड नाइन तक का जो पीरियड जो है इससे अंट्रीब्यूट किया जाता है बहुत जगह पे फिफ्टीन हंड्रेड एंड सेवनटीन भी दिखाई देगा अब उसमें नहीं जाएंगे बट दिस इज द रफ पीरियड सिकंदर लोदी का जो है आपको दिखाई देगा तो ये जो सिकंदर लोधी का जो पीरियड है उसमें उसके एजुकेशनल रिफॉर्म काफी सिग्निफिकेंट है और सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड तक इंडिया में मॉस् जो है वो बहुत जगह पे फैले थे मॉस्क इज नथिंग बट देयर प्रेयर हॉल जहाँ पे ये लोग जो है नमाज पढ़ते हैं दरगाह में आपको एक कबर दिखाई देगी कबर मतलब सूफी सैन की दरगाह होती है एंडर आफ्टर मॉस्क जो है ये मस्जिद होती है तो मॉस्क इंडिया में प्रेजेंट है एंड हर एक मॉस्क में बेसिकली हम लोगों को दिखाई देता है एक मौलवी तो मौलवी जो है बेसिकली ही इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कुरान एंड शरिया तो ही कैन इंटरप्रेट कुरान एज वेल एज शरिया बिकॉज ही इज एन इस्लामिक स्कॉलर तो इसने डिसाइड किया कि हर एक मॉस्क में ये जो मौलवी जो है इसको हम लोग फिक्स सैलरी देंगे इसके साथ साथ जो हम लोग यहाँ पे जो है बेसिकली एक फिक्स सैलरी के ऊपर जो है क्या करेंगे एक बेसिकली सफाई वर्कर जो है बेसिकली इसको भी अपॉइंट करेंगे करेंगे एंड एक एक और फिक्स सैलरी के ऊपर हम लोग क्या देन रिलीजियस प्रीचर जो है वो भी अपॉइंट करेंगे तो एक मौलवी एक रिलीजियस प्रीचर एक सफाई कर्मचारी इसको इन्होंने मॉस्क में अपॉइंट करना चालू कर दिया एंड मॉस्क को जो है फंक्शन दे दिया कि देशॉल फंक्शन एज मकताब तो मकताब का फंक्शन भी मॉस्क ही करेगा एंड देश फंक्शन एज मदरसा एंडसाइज इवन दो आज भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में जितने भी इम्पोर्टेंट मॉस्क है ये मॉस्क से एसोसिएटेड आपको एक मदरसा या फिर मकताब जो है दिखाई ही देगा बट अगेन इनमें भी वही वाला प्रॉब्लम था कि इनके एजुकेशन सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो एजुकेशन सिस्टम जो है जैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वर्न बेस्ड था इनका एजुकेशन जो है मनी बेस्ड था दोज हु कैन अफोर्ड दे कैन बेसिकली गो एंड अवेल द एजुकेशन बिकॉज हर एक मदरसा में या फिर मकताब में आपको पैसे देने पड़ते थे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो था इनका भी एजुकेशन करिकुलम जो है ये बान लाइज लोकली डिजाइन जो है वही हुआ करता था तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इनमें भी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के तौर पे ही काम करता था दैट इज बेसिकली स्टेट का रोल जो है ये इसमें बहुत ही क्या है कम ही होता था एंड आफ्टर इनमें भी हम लोगों को दिखाई देगा कि नॉन साइंटिफिक एजुकेशन जो है

एन एलिमेंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो मठ या फिर मदरसा मठ या फिर बेसिकली आश्रम पे चलता था उसी को बेसिकली पाठशाला का नाम जो है बेसिकली मिलना चालू हुआ एंड वही बेसिकली आपको इस्लामिक एजुकेशन में भी दिखाई देगा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है ये बेसिकली मदरसा था इनके सेंटर जो है ऑब्वियसली जो बड़े बड़े जो मॉस्क है वहाँ पे आपको दिखाई देंगे कुछ इंपॉर्टेंट है बेसिकली अजीमाबाद पटना में एंडर फिर अरेबिक लैंग्वेज भी यहाँ पे सिखाई जाती थी एंडर आफ्टर एलिट्री स्कूल के तौर पे जो है काम किया करते थे as well as तो ये जो बेसिकली कंडीशन है ये कंडीशन ऑफ दिन सेंचुरी इंडिया इज क्वाइट सिग्निफिकेंट ये कंडीशन ऑफ दिन सेंचुरी में आपको दिखाई देगा दिखा कि इंडिया वॉज अ वेरी वेल्नरेबल कंट्री इंडिया में मोर देन सेवन सेवन टू एट मेजर किंगडम बन चुके हैं मुगल्स बैठे हुए थे मुगल्स के साथ साथ रोहिल खन बुंदेलखंड अवध बंगाल मराठा मैसूर त्रावणकोर हैदराबाद का निज़ाम एंड सिख ऐसे टोटल एट टू टेन इंपॉर्टेंट किंगडम जब इंडिया में उभर रहे हैं तो पॉलिटिकली वाइज अगर हम लोग देखें तो इट वॉज वॉट स्पेक्ट्री ऑफ द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी कितने मल्टीपल किंगडम आ रहे थे और ये तो सिर्फ बड़े हैं ये सारे किंगडम अल्टीमेटली ख़त्म हुए नेस्तनाबूद हुए इनके अलावा 600 किंगडम और बचे हैं टिल 1947 आपको पता भी रहेगा कि जिसमें से 562 इंडिया में आए 39 पाकिस्तान में गए यस yes, ये भी याद रखो कि सारे ही प्रिंसल स्टेट्स इंडिया में नहीं आए 39 पाकिस्तान में गए 562 हमारे पास आए हैं रफली 600 हंड्रेड इंडिपेन्डेंट किंगडम तो इसके अलावा थे तो यू कैन क्लियरली सी पॉलिटिकल वाइज जो है इंडिया के जितने टुकड़े पड़े इस पीरियड ऑफ टाइम में इस कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रे ऑफ द फ्रेगमेंटेड पॉलिटी जिसके ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा है जिसके ऊपर धीरे धीरे आगे हमको देखना भी है अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ इंडिया देखे तो एंगस मेडिसन के हिसाब से 1700 की अगर बात करते हैं हम लोग तो ऑलमोस्ट ट्वेंटी ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो इंडिया कंट्रोल कर रहा था बट लेटर ऑन हम लोग ये एनालिसिस कैरी आउट करेंगे कि बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1900 हंड्रेड अल्टीमेटली सारी की सारी इकोनॉमी जो वर्चुअली वर्चुअलीस हो चुकी थी एंड एज पर एंगस मेडिसन हिमसेल्फ के ब्रिटिशर्स का इसमें रोल रहा है जो हमने कल भी देखा था बट ये चीजें चालू जो वो इंडियंस ने करवाई ब्रिटिशर्स ने बस इसमें फाइनल नील इन द कॉफिन लगाने का काम किया हुआ है जब आपके कंट्री के 600 से ज्यादा टुकड़े हो गए रहेंगे देन उसमें मल्टीपल टैक्सेशन 600 से ज्यादा टैक्सेशन आ गए आफ्टर कंटिन्यूस रेड आएगी तो एग्रीकल्चरल सरप्लस बर्बाद हो गया एग्रीकल्चर सरप्लस बर्बाद होने के साथ साथ ट्रेड नेटवर्क बर्बाद हो गए बिकॉज रास्ते सेफ नहीं रहेंगे ट्रेड कैरी आउट कैसे करोगे एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं है ट्रेड बर्बाद हो गया तो आपका क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री जो है वो आपने खुद ही बर्बाद करवाया है ब्रिटिशर्स ने अल्टीमेटली क्या किया इसमें आके बस एक फाइनल नेल इन द जो है लगाई तो इकोनॉमिकल वाइज भी इंडिया में जो कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट का जो पोटेंशियल था वो सारा का सारा खत्म हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब औरंगजेबी ऑनवर्ड दर आफ्टर सोसाइटी की बात करें तो आज हम लोगों ने सोसाइटी पढ़ ही ली है दैट इज बेसिकली इस्लामिक एज वेल एज हिंदू सोसाइटी पोजिशन ऑफ द वुमन पोजिशन ऑफ द लोअर जाति लोअर वर्णा एंड आफ्टर इवन एजुकेशन एंड स्लेवरी से रिलेटेड चीजें तो इनमें भी आपको दिखाई देगा कि इंडिया का जो बेसिकली एक डिटेरियोरेशन है वो हर जगह पे दिखाई देता है कि ऑन वन हैंड इंडिया में आके बैठे हुए ब्रिटिशर्स हैं एंड ब्रिटिशर्स की सोसाइटी इतनी फॉरवर्ड है तो भी इंडियंस उनसे कोई चीजें सीख नहीं रहे हैं इन दैट कैपेसिटी अलबरूनी वाला ही स्टेटमेंट याद आ जाता है वन जीरो में जो उसने दिया हुआ था कि इफ़ यू टॉक विद एन ऑर्डिनरी इंडियन एंड ट्राई टू टेल दैम कि देर इज अ कंट्री सिग्निफिकेंट एंड देय देन दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट और इंडियन देर किंग्स इज सुप्रीम देर कल्चर इज सुप्रीम देयर रिलीजन इज सुप्रीम एंड एनी थिंग दैट इज नॉट इंडियन इज नॉट सुप्रीम एंड यही वाला एस्पेक्ट हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि अपने से अच्छा कल्चर अच्छी चीजें अगर आपको सामने दिखाई देगी तो एक रेजिस्टेंस इंडियंस ने दिखाया कि अडोप्ट नहीं करेंगे तो सोसाइटी वाइज भी ब्रिटिशर जब इंडिया में आए थे दे वेर सब्सरियन टू अस बट स्टिल वी कु नॉट लर्न फ्रॉम देम अल्टीमेटली रूल डेंड देर आफ्टर फाइनली अगर कल्चर में जाते हैं तो जो रिलीजियस डिवीजन जिसके अभी तक बातें हम लोगों ने नहीं की जो लेटर ऑन हम लोग करेंगे बट तो रिलीजियस डिवीजन जो इंडिया का बेसिकली एनहैंस होते हुए दिखाई दिया है एक नया रिलीजन का प्रेजेंस इंडिया में आया कि बेसिकली एक क्रिश्चन डोमिनेटेड रिलीजन जो बेसिकली अब इंडिया का रूलिंग रिलीजन बन चुका था एंड इसके अंडर इंडिया के दो ग्रेट रिलीजन है हिंदू एज वेल एज मुस्लिम क्या हुए सबसर्वियंट हुए तो एटीन सेंचुरी ऑफ इंडिया जो है इट वॉज नॉट अ गुड न्यूज और इट वॉज नॉट अ गुड इंडिया टू लिव टू बी ऑनेस्ट एंड फिर यही इंडिया जो है अब बेसिकली मॉडर्न करने का काम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करने वाली थी एंड वही चीज़ जो हम लोगों को कल से देखनी भी है कि कैसे ये कंट्री जिसमें अब इतने सारे बिसेटेड प्रॉब्लम थे अब यही प्रॉब्लम जो है सिस्टमेटिकली ब्रिटिश अराइवल के साथ जो है एक 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 निकलने चालू हो गए तो ब्रिटिशर्स का पहले पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट देखेंगे दर आफ्टर ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिकल एंड सोशल रिफॉर्म दैट इज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म हम लोगों को देखने हैं एंड दर आफ्टर ब्रिटिशर्स का कल्चरल इंटरवेंशन वो भी हम लोगों को कवर अप करना है दैट विल टेक फर्दर ट्वेंटी लेक्चर्स रफली एक बीस घंटे उसमें हम लोगों को लगेंगे बट दैट इज समथिंग फ्रॉम टुमारो बट अगेन जाने से पहले द न्यू बैच दैट वी हैड लॉन्च ऑन सेवेंटीन ऑफ जुलाई उसका लास्ट ओरिएंटेशन मोस्ट प्रॉबली कल ही खत्म हो जाएगा एंड वो होने के बाद जो आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू द मॉडर्न इंडिया तो मॉडर्न इंडिया से ही हम लोगों का जो नया बैच है वो चालू हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू क्लोज द एडमिशन ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई तो हार्डली दो तीन दिन ही अभी बचे हुए हैं सो इफ यू हैव नॉट टेकन द एडमिशन टिल नाउ देन दिस इज अ वेरी राइट टाइम फॉर यू एंड वाई इट इज अ राइट टाइम फॉर यू बिकॉज दिस एंटायर कोर्स इज डिजाइन बाई मी एंड आई है स्को थ्री हंड्रेड प्लस मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑप्शनल एंड इन दैट कैपैसिटी हम लोगों ने काफ़ी एलेबोरेट वे पे हिस्ट्री जो है उसको पढ़ाने का तरीका तो अभी आपने देख ही लिया बट कंटेंट एंड कंटेंट के साथ साथ बेसिकली जो टेस्ट सीरीज जो है दोनों का बेसिकली हमने कॉम्बिनेशन इसमें प्रोवाइड करके रखा है इसके ऊपर मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ें की हैं बट अगर आपको अगर कोई पर्सनल डाउट रहेगा देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आर्स तो इंस्टाग्राम चैनल के ऊपर अगर आप डाउट या फिर कोई क्वेरी रेस करता है डेफिनेटली टेक केयर ऑफ़ इट

बिपिन चंद्र का बटायल प्रोवाइडेड टू तो यू बट बिपिन चंद्रा की ओवर एंड अबो वी आर गोइंग आई होप यू माई हट हैव रियलाइज दिस बाई दिस पीरियड ऑफ टाइम बट बिपिन चंद्रा का जो एक जो मुझे और एक दो तीन दिन देने ना मैं उसमें बेसिकली तो उसको अपलोड करवा दूँगा तो दैट विल वेट फ्रॉम माई साइड गाइज आज के लिए विल बी स्टॉपिंग ओवर हीर बाकी की चीजें जो बेसिकली कल से देखेंगे कल से वी आर गोइंग टू मूव टूअर्ड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल तो, 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 तो बंगाल की कंडीशन हमको देखनी है अलीवर्दी खान से लेके सिराजुल्ला विच विल बी दो ऑब्जेक्टिव ऑफ टुमॉरोज लेक्चर एंडर आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सार जो डे आफ्टर टुमारो वी आर गोइंग टू कवर तो एक दो से तीन लेक्चर जो है बंगाल के ऊपर हमारे जाएंगे तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइस टूडे वी आर गोइंग टू मीट अगेन टुमारो सेम टाइम टू थर्टी थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल